अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज हरियाणा के अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हजारों लोगों के साथ योगा की। इस मौके पर अनिल विज के साथ सभी प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। योग ने आज भारत को अलग पहचान दिलवाई है। विश्व के 170 देशों ने योग को माना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरियाणा के अंबाला में भी जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान अंबाला के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। अंबाला में अनिल विज ने करीब 4000 लोगों के साथ योग किया। इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे भारत में एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत की विद्या को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। विज ने कहा, योग के माध्यम से भारत विश्व गुरु की भूमिका में आ गया है। योग शरीर को स्वस्थ रखने की विद्या है और यह किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे देश में बहुत उत्साह और एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत की किसी विद्या को सारे विश्व ने स्वीकार किया है और योग के माध्यम से भारत विश्व गुरु की भूमिका में आ गया है। क्योंकि प्राचीन काल से जब से सभ्यता आरंभ हुई है तब से ये विधा हिंदुस्तान में रही है और आज इसको सारे विश्व ने अपनाया है। बड़ी खुशी की बात है कि यूएनओ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये विषय रखा तो 170 देशों ने इसका समर्थन किया, जिसमें 50 के लगभग मुस्लिम देश भी थे। योग जो है वो शरीर को स्वस्थ रखने की विद्या है, ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं। पहले योग को लेकर काफी विवाद खड़े किए गए, लेकिन अब धीरे धीरे इसे सभी अपना रहे हैं। इस पर विज ने कहा कि योगा अब बहुत तेजी से सारे हिंदुस्तान में फैल रहा है। जाति धर्म भाषा से ऊपर उठकर आप कहीं भी चले जाएं, वहां लोग योगा कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा जो स्वीकार्य विद्या है वो योगा बन गया है। नहीं, अब तो ये बहुत तेजी से सारे हिंदुस्तान में फैल रहा है। जाति धर्म भाषा से ऊपर उठकर आप कहीं भी चले जाएं, सुबह पार्कों में योग की क्लासें लग रही हैं, लोग योग कर रहे हैं। आज ये सबसे ज़्यादा स्वीकार्य जो कोई ज्ञान है, विद्या है, वो बन गई।